यहाँ पे काफी ज्यादा बीच है यार। नेपाल में भी बीच है, आप क्या समझते हो? नेपाल में बीच नहीं है क्या? सिर्फ माउंटेन है, यहाँ भी बीच है। देखो यहाँ भी बीच। तो भैया अभी हम लोग पहुंच गए हैप्पी विलेज। यहाँ पे है ना तिब्बतन के लोग यहाँ पे रहते हैं। हर दुकान में मुझे यहाँ पे वाइन मिल रहा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो की हाल चाल आपके? तो अभी मैं पेट्रोल भरा चुका हूँ। स्कूटी मैंने रेंट भी लिया था, आपके पिछले वीडियो में देखा था। स्कूटी यहाँ पे 2 लीटर भराया। सेम इंडिया का रेट है भाई, वही रेट है यार। 178 है 1 लीटर नेपाली रुपीस। तो अभी थोड़ा सा मौसम देख रहे हो, थोड़ा सा मौसम बारिश होने वाला है थोड़ा सा। यहाँ पे बारिश होगा भाई, कोई मौसम है बारिश होने का? लेकिन यहाँ पे क्या है ना पोखरा में कि यही होता है कि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है बिन मौसम बरसात। तो चलो निकलता हूँ, थोड़ा सा आपको लेक साइड दिखाऊंगा। अब यू टर्न मारना पड़ेगा यहाँ से। चलो भैया अब बारिश होने वाला है यार। यहाँ पे नीचे रोड देख रहे हो, रोड यहाँ का पूरा फ्रेश रोड है यार। अरे बारिश स्टार्ट हो गया यार, पहला बूंद मेरे मुंह में चला गया। बारिश हो जाएगा ना भाई, मेरा मजा खिलखिरा हो जाएगा यार। आज ही मैं बाइक रेंट में लिया हूँ यार, बारिश नहीं होना चाहिए यार। गाड़ी खटर खटर क्यों कर रहा है यार? मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल के सामने। जस्ट मेरा यहाँ पे बगल में हॉस्टल है। ओहो, ठंड 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 लग रही है। अरे भैया ठंड ठंडी। मेरा बाइक फेवरेट है यार, देख लो ये जो पीछे जो लग रहा है ना, ये मेरा बाइक फेवरेट है अपने स्पॉट्स में। ये है फेवा लेक, याद है मुझे, मैं पिछले बार आया था तो यहीं पे मैं चलाया था, साइकिल चलाया था। तो इस बार मैं स्कूटी लेके चला रहा हूँ। अभी 1:35 हो रहे हैं, मतलब कि 2 बजने वाले हैं। आप ये आपका फेवा लेक। यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे रोड जो है ना, कभी हालत पस्ती हो जाती है यार। रोड कभी अच्छा आता है तो कभी ख़राब रोड आता है यहाँ पे। तो भैया अभी हम लोग पहुंच गए हैप्पी विलेज। ये है आपका हैप्पी विलेज। हाँ विलेज मस्त लग रहा है यहाँ पे, ऊपर रिजॉर्ट भी है यार। क्या है भाई, रिजॉर्ट वगैरह यार। और ये आपका हैप्पी विलेज हो गया पूरा, लगता ना। यहाँ पे लोग काफ़ी खुशहाल लोग होंगे, इसलिए यहाँ पे विलेज का नाम हैप्पी है। हैप्पी विलेज के अंदर देखते हैं, हैप्पी विलेज के अंदर क्या है भाई। बारिश भी हल्का हल्का बारिश हो रही है, 2-4 बूंद मेरे पे गिर रही है। तो बारिश अगर होगा ज़्यादा तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि रोड काफ़ी ऑफ रोड है, देख रहे हो ना। थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ का रोड क्या है ना, यहाँ का रोड काफ़ी ज़्यादा घुमाव है। यहाँ पे रोड में गोल गोल टाइप का रोड है पूरा, और थोड़ा सा मुझे इसलिए थोड़ा स्कूटी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक हाथ से मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आपका भाई देखो थोड़ा थोड़ा पंगे ले लेता है, रिक्स ले लेता है लाइफ में। विलेज तो नहीं लग रहा भाई कोई एंगल से यार, स्टैंडर्ड लोग लग रहे हैं यहाँ पे देखने में। विलेज नाम का विलेज है यार। बीच लिखा हुआ है यार, यहाँ पे बीच है क्या? देखो यहाँ पे बीच लिखा हुआ है। और ये है आपका फेवा लेक। फेवा लेक तो काफ़ी बड़ा है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। मेरे को लगता ना ये होटल है, एक होटल बीच नाम से होटल है। हाँ होटल है ना, रेस्टोरेंट है सॉरी। और नॉर्थ बीच, यहाँ पे बीच कहाँ से आ गया भैया? ये बीच है क्या? ये अकॉर्डिंग तो ये सब लग रहा है ना कि बीच जैसा है, इसलिए यहाँ पे नाम बीच रख दिए हैं। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है ये वाला, जो कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था कश्मीर जब मैं गया था, सेम ये लगती है आप यहाँ देखा। अभी 2 बज रहे हैं, और 2 बज रहे देख रहे हो भाई, पूरा लग रहा शाम हो गया है, लग रहा रात होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीच है यार। नेपाल में भी बीच है, आप क्या समझते हो? नेपाल में बीच नहीं है क्या? सिर्फ माउंटेन है, यहाँ भी बीच है। देखो यहाँ पे बीच लिखा हुआ है, कोको बीच। यहाँ पे देखो कोको बीच है। अच्छा आप एक बात बताओ यार, कमेंट करके बताओ, अगर आप नेपाल से देख रहे हो तो भाई ये कैसे गाँव हो सकता है यार? मुझे कोई एंगल से ऐसा गाँव तो नहीं दिखता है भाई, ऐसा कोई गाँव होता है क्या कहीं? देखो भाई इस टाइप से ये बड़े बड़े घर हैं, बताओ यार। ऐसा ऐसा यहाँ पे रेस्टोरेंट है, इतने महंगे महंगे, और इतने महंगे रेस्टोरेंट तो गांव में तो नहीं मिलते भाई। यहाँ पे गांव कैसे हो सकता है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कोको बीच रेस्टोरेंट है, और नीचे से जाओगे एंटर है, यहाँ से जाओगे तो यहाँ से आपको बीच वगैरह मिलेगा। बीच का थोड़ा सा वाइब्स आएगा, क्योंकि ये जो पोखरा है ना लेक, इसको थोड़ा बीच टाइप का बना दिया है यहाँ पे, तो इसलिए नाम रख दिए बीच।
चलो मैं अब आपको आगे से दिखाता हूँ आगे मुझे क्या देखने को मिलता है। बारिश हो रहा ना, जो भी बूंद आ रहा है मेरे मुंह में ही जा रहा है डायरेक्ट। मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, मैं सोच रहा हूँ ना कुछ खा लेता हूँ, और सस्ता ढाबा तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑफ रोड तो बहुत ख़राब ऑफ रोड आ गया यार। यहाँ इसके आगे वहाँ तक पूरा फेवर लिख है, और ये है आपका एंडिंग पॉइंट, बस इसके आगे फेवर लिख नहीं है। और देखो भाई वो मंदिर लग रहा है यार, वहाँ पर वो मंदिर है, पता नहीं क्या चीज़ का मंदिर है। मैं आता हूँ ऊपर से यार, देखता हूँ कैसा मंदिर है। तो भैया अभी ये जो आप देख रहे हो ये मंदिर है, ये गौतम बुद्ध जी का मंदिर है। और ये मंदिर अभी क्या है ना, अभी बन ही रहा है। अभी एक आंटी से मैंने पूछा तो आंटी बोली कि अभी ये बन नहीं रहा है, बट ऊपर जाना है तो आप इस रास्ते से, तो बंद है ये रास्ते से, बट आप इधर से जा सकते हो। ये छोटा सा रास्ता है ना, ये जो गया है ऑफ रोड, ये ऑफ रोड से आप जा सकते हो। तो अभी तो बन रहा है, हो सकता है अगर आप आ रहे हो फ्यूचर में, अभी तो मैं आया हूँ तो अभी बन रहा है, बट आप आओगे तो यहाँ पे जरूर आना, गौतम बुद्ध का मंदिर है। और ये मंदिर आपको कैसे मिलेगा बताता हूँ, फिर जहाँ ख़त्म होगा बस आपको ये मंदिर आपको यह दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये मंदिर गौतम भगवान का मंदिर है, गौतम बुद्ध जी का, तो मंदिर ज़रूर आना। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यार दिखने में, देखो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और सभी का यहाँ पे घर है। तिब्बतन जो है वहाँ के लोग यहाँ पे रहते हैं इस एरिया में, देख सकते हो। और ये डॉगी देखो भाई, पहाड़ में घड़े भाई दिख रहे हो, छोटे छोटे घड़े आपको यहाँ पहाड़ में मिलेंगे। ये काफ़ी अच्छा घर लग रहा है, और उधर भी छोटे छोटे, ये सारे घर पहाड़ में है। ले इंडिया, आपको इंडिया चलना है भैया? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा भैया, बेइज्जती हो रहा है मेरा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, आगे से दिखाता हूँ कैसा मंदिर है ये, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। स्कूटी मैं यहीं पे लगा दिया, और यहाँ पे देख रहे हो एक चीज़ आप, यहाँ पे केला का पेड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ये पहाड़ में केला का पेड़ है भाई, अच्छा लग रहा है देखने में। और तिब्बतन यहाँ पे है ना, तिब्बतन के लोग यहाँ पे रहते हैं, इस टाइप का यहाँ पे घर है ऐसा। तो ये ऑफ रोड है, ऑफ रोड से मुझे उस साइड जाना पड़ेगा। स्कूटी मैं यहीं पर लगा दिया हूँ, मेरा जो है कैमरा उसका बैटरी शायद ख़त्म हो गया है, दो बैटरी मैं एक्स्ट्रा मैं बैटरी लेके चलता हूँ, मेरे पास दो बैटरी और है। तो अभी ये बैटरी को चार्ज में लगा दूंगा, और दो बैटरी को यूज करूंगा आराम से, पावर बैंक भी लेके आया हूँ। और ये रास्ता है, ये देखो इस टाइप का यहाँ पे घर है, ये तो पूरा पहाड़ी एरिया है, इस साइड तो पूरा पहाड़ी है। और ये है आपका गौतम बुद्ध जी का मंदिर। थोड़ा सा आपको क्या है नीचे, अब अगर आप आ रहे हो बाइक से, नीचे बाइक लगाना है, स्कूटी लगाना है, थोड़ा सा हाइक करके आप ऊपर आ सकते हो। और ये है, क्या मुझे परमिशन चाहिए होगा यार, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? कोई है भी नहीं यहाँ पर पूछने के लिए। ये सीढ़ी यहाँ से है, यहाँ से जा सकता हूँ ऊपर, बट ऊपर मैं बिना परमिशन का मैं नहीं जाऊँगा यार। तो चलो यार अभी जाता हूँ आगे, बिना परमिशन का मैं नहीं घुसता यार कहीं भी। यार देख लो आप यहीं से नज़ारा, आप आओगे तो उस टाइम तो पूरा ये स्टार्ट हो चुका होगा, मैं आया हूँ तो अभी तो फिलहाल अभी बन रहा है, और बाहर से तो बन चुका है, शायद अंदर से काम चल रहा होगा। चलो अब मैं जाता हूँ अपना स्कूटी लेके, और सा और आगे जाने का कोशिश करूँगा, देखता हूँ आगे और मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो एक मंदिर मिला। तो भैया अभी मैं भोकाउंडे कुछ करके कुछ नाम था यार, मैं नाम ठीक से पढ़ा नहीं, बट ऊपर बोर्ड में लिखा था भोकाउंडे विलेज, तो अभी मैं भोकाउंडे विलेज आ गया हूँ। और अगर मैं गलत हूँ तो भाई आप कमेंट करके बताना भाई, मैं गलत तो नहीं हूँ यार, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत तो नहीं हो रहा है। ये देखो भाई भोकाउंडे विलेज का नज़ारा, और लाल लाल पत्ते वाले यहाँ पे पेड़ है। आगे से थोड़ा बोर्ड दिखाता हूँ भोकाउंडे विलेज का बोर्ड, बाइक मेरा स्कूटी यहाँ पे। टाइम अभी हो रहे हैं 2:18, तो भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ भी सबके घर आपको भाई, ये विलेज क्यों है यार, विलेज तो नहीं है, गाड़ी का ही दिक्कत ना हो जाए। विलेज तो नहीं लग रहा, कोई एंगल से विलेज नहीं लग रहा यार, टाउन लग रहा है यार ये। और देखो यार क्या लिखा, भोकाउंडे विलेज। और ट्रक यहाँ पे काफ़ी ऐसे चलते रहते हैं, ये ना मेन रोड मुझे लग रहा है, काफ़ी पतला रोड है यार ये, थोड़ा सा यहाँ पे आप गाड़ी अगर चला रहे हो तो थोड़ा संभल के चलाना। यहाँ पे बच्चे बड़े क्यूट लग रहे हैं यार देखने में, मुझे बच्चे छोटे छोटे बच्चे ना बहुत क्यूट लग रहे हैं देखने में, क्या ही बोलूँ। ये आपका हो गया भोकाउंडे विलेज। तो लेक से मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, हर 1-2 किलोमीटर बाद ना विलेज का नाम चेंज हो रहा है। हर दुकान तो आपको वाइन मिलेगा यार, हर दुकान में मुझे यहाँ पे वाइन मिल रहा है। हेलो हेलो हाय, चलो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मिलता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे गांव दिखाऊंगा, अभी मैं मुझे खुद नहीं पता कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ।
तब तक के लिए वन लाइफ, सो कीप ट्रैवलिंग एंड कीप स्माइलिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।